सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रोजाना खाना इन हिंदी को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। बताने जा रही हूँ 5 तरह का प्याज का चॉपिंग, वो भी शेफ द्वारा। इस वीडियो को एंड तक देखें। ये देखिए, हम प्याज को छील लेंगे इस तरीके से। देखिए, ये मैं चॉपिंग आपको शेफ द्वारा बता रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चॉपिंग हम आपको बताएंगे आज। ये देखिए, इस तरह से प्याज को छील लें और छील छील के यहाँ पे हम रखते जा रहे हैं। तो आपको जितना हो सकता है उतना प्याज को इस तरीके से छीलें। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो प्याज है कट के रेडी है और अच्छे से छील लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हम ये आपको बिल्कुल फाइन चॉप बता रहे हैं हम काटने का तरीका। एक प्याज को दो भाग करके और उसमें कट लगा के इसे हम बिल्कुल फाइनल चॉप कर रहे हैं। इसे जो हम आपको प्याज बता रहे हैं काटना, बिल्कुल फाइन चॉप कर रहे हैं भैया। देखिए, ये देखिए, मैं दूसरे तरीके का बता रही हूँ, ये भी फाइन चॉप है, लेकिन ये आप बिरयानी में तल के डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से खोलेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा तरीका काटने का प्याज को। तो ये आप सलाद में भी दे सकते हैं किसी को, और बिरयानी में यूज कर सकते हैं इसे तल के। तो ये दूसरा तरीका है, और मैं आपको तीसरा तरीका दिखाती हूँ। तो ये तो रहा हमारा दूसरा तरीका। ये देखिए, कितना अच्छा दिख रहा प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप है, बिल्कुल बारीक बारीक। तो इसे आप तल के बिरयानी में यूज करें या सलाद में भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया चिल्ली चिकन के लिए। और ये देखिए, चिल्ली चिकन के लिए हम एक तीसरा डिजाइन आपको बता रही हूँ, तीसरा तरीका। ये देखिए, इस तरह से तिरछे में कट कर रहे हैं भैया। ये आपको चिली चिकन में पनीर चिल्ली, मशरूम चिल्ली, चिली चिकन, इस प्याज को आप देखिए जो भैया पोटैटो चिल्ली, फूलगोभी चिल्ली, जो इसमें डाल सकते हैं। हाँ, ये सारा आप चिल्ली में इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि पनीर चिल्ली हो गया, पोटैटो चिल्ली हो गया। और ये देखिए, मैं चौथा डिजाइन आपको बता रही हूँ। एक प्याज को दो भाग कर पनीर दो प्याजा में, पनीर दो प्याजा। अच्छा, ये पनीर दो प्याजा के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से निकाल रहे क्यूब भैया, बहुत ही बेहतरीन निकल रहा क्यूब। देखिए, इस तरह से निकाल निकाल के आप रख लें। ये जो कटिंग है, मैं आपको शेफ द्वारा बता रही हूँ। देखिए, किस तरह से निकाल निकाल के रख रहे हैं भैया। ये जो क्यूब है, निकाल निकाल के रख ले रहे हैं। और ये देखिए, मैं आपको पांचवा तरीका बताती हूँ। स्क्वायर में इसे आप गोल गोल कटिंग करेंगे तो इसे चाहे तो आप सलाद में यूज कर सकते हैं, और सलाद में इसे आप सलाद में यूज करें। ये देखिए, इस तरह से आप फिंगर रिंग इसका बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप किसी भी गेस्ट को इस तरह से सर्व करके देते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फाइन चॉप प्याज है, बिल्कुल बारीक। और ये क्या चीज़ का था भैया? पनीर दो प्याजा, मशरूम दो प्याजा। हाँ, ये पनीर दो प्याजा, मशरूम दो प्याजा में इसे डाल सकते हैं आप, बहुत सी रेसिपी है। चिकन दो प्याजा, मटन दो प्याजा। और ये चिल्ली चिकन के लिए है, चिल्ली चिकन बनाएं या मशरूम चिकन, मशरूम चिल्ली बनाएं या पोटैटो चिल्ली बनाएं, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। और ये आप सलाद में यूज कर सकते हैं या फिंगर रिंग बना सकते हैं इसका, या बहुत से यूज में आ जाता है इस तरीके का प्याज कटा हुआ। और ये आप बिरयानी में यूज करें या सलाद में यूज करें या किसी भी सब्जी में भी आप डाल सकते हैं। ये तो रहा हमारा 5 तरह का चॉपिंग करने का शेफ द्वारा तरीका। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसके नीचे लाइक करें, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।
उससे ये होगा कि हमारा आने वाला नया रेसिपी का आपको पता चलता रहेगा। तो मैं बहुत से रेसिपी लाने वाली हूँ सैफ द्वारा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और खाते रहें और मुस्कुराते रहें।